ना एक दिग्गज और हमेशा संघर्षरत रहने वाला नेता खोया है और देश भर के दबे कुचले पिछड़ों ने और विशेषकर उत्तर प्रदेश के दबे कुचले पिछड़ों ने अपना एक हित चिंतक गंवाया है। राम जन्मभूमि आंदोलन के श्री कल्याण सिंह जी बड़े नेता रहे और राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए सत्ता त्याग करने में तनिक भर भी उन्होंने सोचा भी नहीं। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ उसी दिन मेरी बाबूजी से बात हुई थी, बड़े हर्ष और संतोष के साथ बताते थे कि मेरे जीवन का लक्ष्य आज पूरा हो गया। पूरा जीवन उत्तर प्रदेश के विकास को समर्पित रहा, उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को समर्पित रहा और उत्तर प्रदेश को देश का सबसे अच्छा प्रदेश बनाने के लिए वो कार्यरत रहे। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए इतने गरीब तबके से उठकर इतना बड़ा नेता बनना, विचारधारा के लक्ष्यों के लिए जीवन भर संघर्षरत रहना, समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए हमेशा अपने आप को समर्पित रखना, ये हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा की चीजें रहेगी। बाबूजी के जाने से राजनीतिक नभ के अंदर और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी रिक्तता निर्मित हुई है और मैं मानता हूं कि रिक्तता को एक लंबे समय तक भर पाना बहुत मुश्किल होगा। आज काफी समय से एक्टिव राजनीति में न रहते हुए भी जिस प्रकार का जनसैलाब बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए आया है और विशेषकर युवाओं को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यही बताता है कि उनके जीवन ने एक गहरी छाप उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक जीवन पर छोड़ी है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाबूजी को हृदय से श्रद्धांजलि भी देते हैं और उत्तर प्रदेश के दबे कुचले और पिछड़ों के जीवन के उत्कर्ष के लिए हम सब संघर्षरत रहेंगे, इतना ही मैं अभी कह सकता हूं। ईश्वर श्री कल्याण सिंह जी की आत्मा को शांति प्रदान करे और आने वाले कई पीढ़ियों तक वो उनका जीवन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, यही बात कर मेरी बात समाप्त करता हूँ। तो अभी आप सुन रहे थे गृहमंत्री अमित शाह को, जिन्होंने बताया कि पूर्व सीएम कल्याण सिंह के जाने से, बाबूजी के जाने से बीजेपी पार्टी को भारी रिक्तता का सामना करना पड़ रहा है और उनकी कमी की पूर्ति कभी नहीं की जा सकती और देश ने एक बड़ा कद्दावर नेता खोया है, अमित शाह ने कहा। और आपको ये भी बता दें कि कल जो पूर्व सीएम कल्याण सिंह हैं उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह और अमित शाह के साथ कई वीआईपी नेता भी पहुंचे हैं। ये अलीगढ़ से साफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साहिबगंज के राजमहल में झामुमो के केंद्रीय सचिव व बरहेट विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने पूर्वी नारायणपुर DRF 4 नंबर कॉलोनी में लगभग 150 बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। वहीं मिश्रा ने चूड़ा, चीनी, दाल, चावल, सत्तू व नमक का वितरण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन और सरकार पूरी तरह अलर्ट है, हर संभव उनके पास मदद पहुँचाई जाएगी।